इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में स्टार्ट मेनू में से डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स को किस तरह अनपिन कर सकते हैं। मुझे स्टार्ट मेनू में से इस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स को हटाना है, तो किस तरह हम हटा सकते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और फिर यहाँ आना है जहाँ पर आपको दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स। आपको इस पर राइट क्लिक करना है माउस से, फिर आपको दिखाई देगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। आपको अनपिन फ्रॉम स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स चला गया। अब मैं स्टार्ट मेनू पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स नहीं दिखा रहा है।